असलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेसलिंग आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे एडिशन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कितने मैचेस खेलेगी, कब खेलेगी, किसके खिलाफ खेलेगी, किस टीम के खिलाफ होम ग्राउंड पे खेलेगी, किस टीम के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर खेलेगी, आज करेंगे इसी सब पर बात। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो लास्ट एडिशन की टाइटल विनर है, रिसेंटली उन्होंने इंडिया को फाइनल में शिकस्त दी और टाइटल जीता पैट कमिंस की क़यादत में। अब वो तीसरे एडिशन में किस टीम के खिलाफ, कब, कहां और कैसे खेलेंगे, आज इसी को डिस्कस करेंगे। लास्ट सीजन तो उनका बहुत अच्छा गया था, टाइटल जीते, थ्रू आउट द सीजन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हर टीम को उन्होंने डोमिनेट किया। एंड ऑब्वियसली एक अलग ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका उनके बॉलर्स बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं लाइक लबुशेन, स्टीव स्मिथ, और बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जो उनके कप्तान है, एक फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान है। ये माजी में बड़ी कम मिसालें नजर आती हैं वैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, बिकॉज अगर हम यहां से पीछे जाना शुरू करें तो एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, माइकल क्लार्क, रिकी पोंटिंग, उससे पहले स्टीव वॉर्न, उससे पहले आपको चले जाएं तो बॉर्डर ब्रदर्स, ये नजर आते हैं। देन काफी ज्यादा बैट्समैन उनके रूलिंग एलीट में नजर आए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में, लेकिन अब फास्ट बॉलर है कप्तान है और वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, जिससे उनकी बॉलिंग अपनी भी बहुत अच्छी है और जिससे वो कप्तानी कर रहे हैं वो रियली अमेजिंग है। तो अगर मैचेस की फ्रिक्वेंसी देखी जाए तो 19 मैचेस खेलेगा वैसे ऑस्ट्रेलिया अगले दो ढाई साल के साइकिल में, सेकंड हाईएस्ट मैचेस है, सबसे ज्यादा इंग्लैंड खेलेगा, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के मैचेस है 19 मैचेस। ये नेशन ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ज्यादा मैचेस टेस्ट क्रिकेट के खेलते हैं, ऑब्वियसली भी जो ज्यादा मैचेस खेलेगा ज्यादा उसके प्लेयर्स को एक्सपोयर मिलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड्स अचीव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाने में कामयाब होंगे, और जो नेशंस कम खेलते हैं ऑब्वियसली उनका ग्राफ भी उसी लेवल से भी कम ही रहता है। देन अगर हम इनके मैचेस को देखें तो 10 मैचेस ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड पे खेलेगा, 9 मैचेस ऑस्ट्रेलिया अवे खेलेगा। जो 10 मैचेस उन्होंने होम ग्राउंड पे खेले हैं उनकी डिवीजन कुछ ऐसी है, 5 मैचेस इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम ने लास्ट टूर पे ऑस्ट्रेलिया को बड़ा तंग किया था, जहां पर ऋषभ पंत ने एक मैच में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली जो ब्रिस्बेन में इंडिया जीता था, वो सीरीज इंडिया के लिए बड़ी अच्छी रही थी। देन 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट होगी, पाकिस्तान इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएगा और वहां 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, और 2 मैचेस की सीरीज खेलेगा ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अपने श्रीलंका के अगेंस्ट अपने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 2 मैचेस की सीरीज खेलेगा। ऑब्वियसली जो होम ग्राउंड की सीरीज है ना ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की सीरीज टफ जरूर है, बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम ने प्रीवियस कुछ ईयर्स में देखें तो टेस्ट क्रिकेट में बड़ा अपग्रो किया, पिछले दोनों एडिशन में वो फाइनल में पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया को लास्ट सीरीज में उन्होंने होम ग्राउंड पे बड़ा तंग किया था। लेकिन ये जो पाकिस्तान की सीरीज है, पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पे हराने कामयाब नहीं हुआ प्रीवियस कुछ ईयर्स में, बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया हर सीरीज में क्लीन स्वीप कर जाता है। देन वेस्टइंडीज की सीरीज है, वेस्टइंडीज बहुत ज्यादा लोअर टीयर की टीम है, 9वें नंबर पे उन्होंने लास्ट टाइम अन्य नहीं, आई थिंक बांग्लादेश से ऊपर ही थे, बांग्लादेश सबसे आखिर नंबर पे था। तो ये 2 सीरीज तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए रिलेटिवली ईजी है, इनको डोमिनेट करना ईजी है। एज ए पाकिस्तानी फैन तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराए, बट जो ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है वो ऑस्ट्रेलियन टीम का अपर हैंड जरूर है। लेकिन अगर अवे सीरीज हमने देखनी है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अवे 9 मैचेस खेलने, जिसमें से 5 एशेज के मैचेस हैं, 3 मैच तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं उनके, पहले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा मैच कहीं ना कहीं इंग्लैंड जीतने के करीब है, और लेट्स सी जब तक आप वीडियोस देखते हैं 4 या 5 मैचेस मुकम्मल हो ही ना जाएं। लेकिन जो 2 उन्होंने दूसरी अवे सीरीज खेलनी है, अगर उस पर अगर हम एक निगाह दौड़ाएं, 2 मैचेस की सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 2 मैचेस की सीरीज खेलनी है श्रीलंका के अगेंस्ट। तो न्यूजीलैंड अपनी होम कंडीशन में तो ऑब्वियसली टफ फरीक जरूर है, और इनकी राइवलरी भी एक नजर आती है ऑब्वियसली दोनों नेशंस की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अगर हम ओवरऑल शेड्यूल देखें तो कंपैरेटिवली टफ भी है, इजी भी है, कहीं ना कहीं मुश्किल है लाइक इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में पहले 2 मैचेस जीत लिए हैं, ये चीज उनको बहुत ज्यादा पूरे साइकिल में कामयाब कराएगी आगे पॉइंट्स वाइज। लेकिन अगर आप वो इस सीरीज को देखते हैं जीते हैं या नहीं, देन अगर उनकी होम कंडीशन पर जो सीरीज है पाकिस्तान और वेस्टइंडीज, वो रिलेटिवली कंपैरेटिवली उनके लिए ईजी है, बिकॉज जिससे वो ब्रांड की क्रिकेट खेल, तो लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया साइकिल में क्या कैसा परफॉर्म करते हैं, अपना टाइटल डिफेंड करने में कामयाब होता है या नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ऑस्ट्रेलिया इस सीजन में कैसा रहता है आज, इंशाल्लाह लेट्स सी ये कैसा बनता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहुत ज्यादा आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने बांध दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।